Hmm. Where are they giving? What are the motivations? alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Uh, we have a very very interesting guest today. Shazia Maqsoud Amjid is the Executive Director of Pakistan Centre for Philanthropy. Um, she studied at Harvard Institution of Development Policy in the UK. Kafi mashaAllah, uh, impressive CV. Pelito, thank you so much for being on the podcast. थैंक यू शायन चलिए आई वॉन्ट इट ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे आप यू नो बंदे को ड्रिप लगा के जिंदा रख रहे हैं या इज इट सम दैट इवेंचुअली चेंजेस क्योंकि बहुत सारा वो एक इंग्लिश वाली सेंगे ना कि फ्रीडम मैन वंस और टीचे माउटोफे जो भी वो सेंग अभी मुझे सही तरह याद नहीं आ रही लेकिन पॉइंट <laughs> ये है कि ईज फिलेंथ्रपी गुड फॉर अ कंट्री और बैड फॉर अ कंट्री एंड पाकिस्तान में यह है कि हम बहुत सारी चैरिटी भी देते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं लेकिन हमें ऐसे अ ले मैन फील होता है कभी बार क्यार निडल खास मूव तो नहीं हो रहा एजुकेशन पे बहुत सारे लोग पैसे लगा रहे हैं लेकिन बच्चे आउट स्कूल हैं या बहुत सारी रिलीजियस फंडिंग uh, um, हो रही है पाकिस्तान में या चैरिटी दी जा रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वो नीडल या हमें समझ नहीं आ रही या या हमें लग रहा है कि हिल नहीं रही सो वॉट डू योर दैट देखिए पाकिस्तान के पाकिस्तान हैज़ न्यूमरस चैलेंजेस अब उसमें जो आप नीडल मूवमेंट की बात करें आई थिंक दैट दैट नीडल इज कैप्चर्ड बाय मेनी फैक्टर्स आई थिंक वन इज आर पॉपुलेशन ग्रोथ And so, however funds you pour in, uh, the scale increases and the needle remains where it is. I think the political stability uh, and our internal uh, structures, how they are, um, I think that is also thing needle it is uh, needle consistently. I philanthropy jo hai, it's an assistive mechanism. It's uh, support the state. In fact, I would say it's a social safety net. It's a mode of social protection. Uh, it's not a replacement to uh, government funds. So the pro the solution to the state's problem is the state itself. Philanthropy ke jo investments or funds, hai, they complement the government efforts. Similarly, aid भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आती है उसको इम्प्रूव करने के लिए आती है सो दीज आर ऑल इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दैट एड द गवर्नमेंट बट आर नॉट द रियल इन्वेस्टमेंट आर्म इट सेल्फ से अच्छा लेकिन अगर ऐसे देखा जाए जैसे मैं अगर आपसे कि से हम गवर्नमेंट को ये एक ऑप्शन देते हैं ना सेफ्टी नेट की तो अगर आप वो सेफ्टी नेट रिमूव कर दें

uh so you see um, the culture of and the structure of philanthropy currently op being operate, operational in the world So, aap family foundations ka concept jo hai us start uh, the carnegie mellons uh, you know um, ford foundation uh bill and melinda gates foundation uh, uh, cornell Yale, ye, ye ये फैमिली फ़ाउंडेशन्स के थ्रू ही देव बिन वर्किंग सो वो जो मॉडल है वो पाकिस्तान के अलावा और भी बड़े मुल्कों ने उसको अडोप्ट किया है, इसका है इस वक्त चाइना हैज़ द हाइसट नंबर ऑफ बिलियन और वो सब के सब अपनी फिलेंथ्रपी या चैरिटी जो भी अपने सी एस आर बिग बिजनसेज जो करते हैं वो फैमिली फ़ाउंडेशन के थ्रू ही करते हैं सो सो आई वुड से कि चैरिटी या फिलेंथ्रपी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इवॉल्व हुए वेस्ट में उनको बहुत हद तक हमने अडोप्ट किया है इन इन ग्लोबल साउथ ऑल्सो और ये जो हमारे प्रेजेंट इस वक्त नॉट फॉर प्रॉफिट के तेरह लॉज हैं वो हमारे ब्रिटिश इंडिया टाइम्स के लॉज हैं सो देर इज अ ट्रस्ट एक्ट सो देर इज अ सोशल वेलफेयर एक्ट देर इज अ सोसाइटीज एक्ट सो ये सारे एक्ट्स वो हैं जो एटीन सिक्सटीज एंड के आपको नजर आते so बहुत सारे जो हैं और बहुत सारी जो उनके क्लॉजेज हैं हैव रिमेन द सेम एंड जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये बताना चाह रही थी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो हिस्ट्री है वो अगर आप मुगल टाइम से ट्रेस करें तो आपको उसमें जो मुस्लिम वेलफेयर और चैरिटी एंड फिलंथ्रपी के जो स्ट्रक्चर्स uh, नज़र आते हैं वो वही थे जो कि एक uh, मुस्लिम किसी भी सोसाइटी के हैं एंड्स बहुत बड़ी बड़ी थी एंडाउमेंट्स जो हैं उनके थ्रू मदरसास फंड होते थे उनके थ्रू आपके स्कूल्स फंड होते थे हॉस्पिटल्स फंड फंडाउमेंट्स नहीं है पाकिस्तान में अब एंडाउमेंट्स वापस आ रही हैं ब्रिटिश uh, ने सेवनटीन में एंडाउमेंट्स को जो हम इस्लामिक uh, लॉक में देखें तो उसको वक्फ कहा जाता है ऑलमोस्ट सारे वक्फ जो है वो तोड़ दिए थे क्यों और उनको टेक ओवर भी कर लिया था मतलब अगर एक मुसलमान की सौ एकड़ की ज़मीन है और वो वक्फ है और उससे जो प्रोड्यूस आ रही है या उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है सो so, उसकी उन्होंने बहुत सारी अगर आप हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी देखें तो बहुत सारी जो उसकी इनकम है वो उन्होंने अपने पर्पजेज़ के लिए डाइवर्ट कर ली थी और एक मिनिमल इनकम उस बखिया मॉस्क या उस बखिया स्कूल को जा रही थी सो so, आपकी जो लैंडेड क्लास थी और आपके जो वक्फ थे वो ब्रिटिश ने आके तोड़ दिए कम्प्लीटली और उसकी जगह उन्होंने जो लेजिस्लेशन की लेट एटीन हंड्रेड्स में जो आप, आपको नज़र आती है जिसमें मैंने आपको कहा आपका सोसाइटीज़ एक्ट है सोशल वेलफेयर है वो आज भी उसी तरह ही है उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आए वाहिद हमने जो इवॉल्व किया है अपने नॉट फॉर प्रॉफिट लॉ में वो हमारा एस का है कंपनीज एक्ट जो कि मुख्तफ रिविजन के, के बाद बिल्कुल लेटेस्ट है ऑफ 2017 का हमारा कंपनीज एक्ट है लेकिन जो बकिया नॉट फॉर प्रॉफिट की जितनी लेजिस्लेशन है वो वही पुरानी लेजिस्लेशन है जो कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में हुई थी तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं हमने अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स छोड़ दिए हमने इंडाम छोड़ दी हमने वक्फ छोड़ दिए हमने, हमने, हमने और जो मीडियम्स थे चैरिटी को चैनल करने के लिए वो तमाम छोड़ के हमने लेजिस्लेशन एंड स्ट्रक्चर्स जो है वो ग्लोबल नॉर्थ के अडॉप्ट कर लिए और अभी भी आपको जितना भी फिलेंथ्रपी एंड चैरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में नजर आता है आई थिंक इट मुझे ये बताएं एक और मसला sort of, बहुत सारा मैं पाकिस्तान में नोटिस करता हूं डेवलपमेंट सेक्टर में हो फेंथ्रपी सेक्टर में हो हुँ. हम आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यू नो लाइक द लाइक्स ऑफ कार्निकी मेलन हारवर्ड हारवर्ड का मैनिक स्टैनफर्ड एक्सेट्रा अच्छा वो क्या करते हैं कि वो एंडाउनमेंट ख़त्म नहीं करते वो उससे यूज़ करते हैं जो पैसे जनरेट कर रहे होते हैं फॉर बेटर क्वालिटी टीचिंग बेटर क्वालिटी रिसर्च और जिससे वो, वो फिर बेहतर होते हैं और बेहतर होते हैं यहाँ पर ऐसा भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है कि जी यू you नो know, अगर एक आप अच्छे काम कर रहे हैं आ, अगर आप एक नेक काम कर रहे हैं तो आप पैसे ना चार्ज करें आप ऐसा करें कि आप मुफ्ती में करें आ, बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है आ, कि जी यू नो वेदर एट्स इन द डेवलपमेंट सेक्टर तो कोई डॉक्टर जी डॉलर में कमा रहा है या वेदर एट्स इन दी फिलंथरवी सेक्टर और इन दी यू नो चैरिटी सेक्टर इन जनरल ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान में चलता रहता है कि जी वाइड समवन न्यू टू मेक मनी इन दिस इंडस्ट्री और उससे फिर वही वाली बात आ जाती है क्वालिटी इन क्वालिटी आउट इस इस इशू को कैसे हाउ डू यू एजुकेट द पीपल के दीपुल अगर आप एक यू you नो know, अच्छा डॉक्टर लाएंगे तो वो एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिससे एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज होगा लेकिन लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाते साइन थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पर्फिनेंट एंड क्रिटिकल देखिए अभी आपने uh, बात की प्रॉफिट मेकिंग की हुँ. तो हमारे यहाँ यू नो एक कॉन्सेप्ट है कि चैरिटी जो है ना वो बस uh, होनी चाहिए अब वो कैसे होनी चाहिए वो हमारा एक पुराना मॉडल है यानी कि वो मौलवी और मस्जिद के कुछ लोग हों जिन्होंने चंदे का डब्बा पकड़ा हो और वो घर घर जाएं और वो उसको कलेक्ट करें और बस उससे खाना खिला दिया जाए ऑल तो हमारे रिलीजन uh, में जो सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ चैरिटी है जो नंबर वन ऑन द लिस्ट आती है प्रिस्क्राइब बाय द कुरान इज़ फीडिंग द पोअर लेकिन इसके साथ साथ आपको कहीं भी ये नहीं रोका गया कि आप अपनी चैरिटी को या फिलंथ्रपी को किसी ऐसी जगह डायरेक्ट करें जहाँ से आप स्ट्रटिजिकली सोशल डेवलपमेंट कर सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें या उसका कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट कर सकें सो आई वुड से कि हमारे लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी भी फिलेंथ्रपी इंस्टीट्यूशन uh, का या किसी भी फिलेंथ्रपिक इन्वेस्टमेंट का एक बिज़नेस मॉडल ज़रूर होना चाहिए इट्स लिंक टू सस्टेनेबिलिटी क्या आप सारा वक्त हाथ में डब्बा ही उठाए रखेंगे चंदे का या आप पैसे जनरेट करेंगे जो अब डेफिनेशन है वो ये है कि प्रॉफिट मेकिंग इन अ नॉट फॉर प्रॉफिट इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज इट इज प्लाउड बैक इन टू द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आर नॉट मेकिंग एनी टेकिंग एनी बेनिफिट or आर नॉट मेकिंग एनी profits आउट ऑफ इट सो इट इज used टू फर्दर ग्रो the initiative. अब आप जब उसको प्लान बैक करते हैं तो आप सस्टेनेबिलिटी के मॉडल में आ जाते हैं जहाँ पे आप बहुत सारी फिक्रों से आजाद हो जाते हैं क्या आपने आप यू you नो know, अगर आपका एक इदारा चला रहे हैं तो क्या है। आप सबसे डोनेशन ही मांगते रहेंगे कि भाई तनख्वाहें देनी है पांच हजार दे दो बिल्कुल और अगर वो, वो साल आए जो कोई ना दे पांच हजार किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो बिल्कुल सो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी सोसाइटी में होनी है प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट बैड प्रॉफिट आर यूज टू प्लाव बैक इन टू दूशंस टू ग्रो दैट इंस्टीट्यूशन सो दैट वो इदारा और इफेक्टिव हो और उसकी आउटरीच और लोगों तक पड़े और, और लोगों से इस्ता करें hmm. uh, मैं आपको अगर यहाँ एग्जाम्पल दूँ शौकत खानम की hmm. तो शौकत खानम जो है वो चार्ज भी करता है लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे जो गरीब हैं उनका मुफ्त इलाज भी करता है बट आप देखें एक शौकत खानम लाहौर में था अब इसके बाद चार पांच छह शौकत खानम बिल्कुल सो so आपका, आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको सोसाइटी में नजर आता है उसका इसी तरह ही मैं टी का भी नाम लेना चाहूंगी सो so टी ने स्टार्ट किया और आई थिंक इस वक्त उनके कोई एटीन हंड्रेड टू थाउजेंड प्लस स्कूल्स हैं सो आपके मार्जिनलाइज्ड अंडरसर्वड एरिया में क्वालिटी एजुकेशन पहुंच रही है they are charging something but it's being, plowed back, it's being plowed back into the system into the tcf system and hence the multiplier effect continues or what have about tcf ki different examples let's talk about pcp what does that do and why should we be excited about it so pcp is you know um, is a unique and a very different kind of an institution so, we are a not for profit ourselves, yet we provide a service whereby we uh, look at not for profit organizations and we tell the people that this is a credible, trustworthy organization. You can give your donations safely to them. And we do this through a mechanism which we have labeled or which we call as certification. Hmm. So, we um, have accreditation. और उसको एफ बी आर भी रिकगनाइज करता है सो so, जब आप जब हमसे सर्टिफाई होते हैं तो एफ बी आर के पास आप जाते हैं यू आर लाइकली टू गेट अ नॉट फॉर प्रॉफिट स्टैटस एंड गेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ इट और जो सोसाइटी एट लार्ज के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिटिंग इन यू एस एंड यू वॉन्ट टू मेक अ डोनेशन टू एन एक्स ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन सिंध थर पार्कर पाकिस्तान सो हाउ वुड यू नो कि ये क्रेडिबल है आप तो नहीं सफ़र कर सकते आए देखें या किसी से पूछें तो एक ऐसा इदारा है जिसने जो गया होगा उसने उस इदारे को देखा होगा फिजिकली वेरीफाई भी किया होगा उनके सिस्टम्स भी देखे होंगे उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखी होंगी उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स देखे होंगे और देखने के बाद कहा होगा कि नहीं ये इदारा ठीक है आप यूएस में हैं आप यूके में हैं आप यूरोप में हैं आप पाकिस्तान में हैं फॉर देट मैटर इस्लामाबाद में तो अगर आपने अपनी चैरिटी देनी है अपनी डोनेशन देनी है तो आप आराम से दें क्योंकि ठीक है। ये वाली जो है हमारे पास वेरफाइड है तो हाँ। वेरीफाइड है का मतलब ये है कि it's kind of like, यार, मुझे है कि मैं पे करूं, कुछ हद तक <laughs> एक अच्छा, आपने, <laughs> आपने होता है, देते हर बंदे का बड़ा दिल हो जाता है रमजान में हम सब ने जन्नत जाना है तो यही तरीका है तो जब ये टाइम आता है तो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि यार ये जगह कैसी है कहाँ देनी चाहिए फिर क्या होता है की आपके दो तीन जानने वाले होते हैं अब आपको पता नहीं है जी वो मस्जिद बना रहा है नहीं बना रहा अब मैं जाके एक दफा तो वो यू you नो know, देख लेते हैं लेकिन बार, बार तो नहीं देख सकते वो मुन्ना भाई, भाई में एक सीन था ना वो हॉस्पिटल हाँ। बना देता है उस तरह अब मुझे भी क्या भी पता है? है, नहीं, नहीं नहीं है नहीं है सो है, हाँ। so, ये बड़ी अच्छी बात है बिकॉज पीपल लाइक मी ना अक्सर दी जस्ट डोंट नो एंड मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट पाकिस्तानी सबसे बड़ा मसला है ना वो उधर बैठ के मुझे याद है मेरी जो जो आ, अमेरिका में रहती है ना वो एसओ एस विलेज में डोनेट करती थी बहुत पहले। बहुत है, SOS, बहुत अच्छा बहुत पहले जबरदस्त है है अच्छा अच्छा काम काम कर रहा और वो क्या करते थे कि वो वो ना जिस बच्चे को किए थे, किया थे उसकी वीडियो भेजते थे इट्स अ हार्ट वार्मिंग फीलिंग बट इट ऑल्सो मेक्स मी गो लाइक अच्छा ठीक है यार कुछ ये बच्चा है इसको मैं लेट से एवरी मंथ एक वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि कुछ कुछ तो हो रहा है वो खुद मुझे बता रहा है लेकिन शायद आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी जो फ्लान है वो टोटली इनफॉर्मल है क्योंकि हम जब ट्रस्ट करते हैं ना या हमारे सामने चीज नजर आती है तो हम उसको देते हैं हमारे यहाँ ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है ना हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन उनको देने का रिवाज अब बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं है जितना कि वेस्ट में है सो हम अपने क़रीब तरीन देखते हैं कि हम हमारे घर में जो हमारे आ, हेल्पर्स होते हैं या हमारे इर्द गिर्द हमें मोहल्ले में मस्जिद बन रही है स्कूल बन रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लगता है कि अच्छा आपके कोई Um, करीब रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको लोग समझते हमें देना चाहिए तो वो आप आपका एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना क्योंकि ईज और एक्सेस दोनों आपके हाथ में होते हैं। so है. ने ने जिस तरह मैं आपको जो मिसाल दे रहा था ना कि एग्रीगेटर्स का क्या है आई ट्रस्ट इट वन आई ट्रस्ट इट तो उससे ये होता है ना कि अब मैं भी खुद ये सोचता हूँ यार मोहल्ले में छठी मस्जिद बनाऊँ <laughs> या यू नो you know, किसी actual, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आसपास पास में बेहतरी कर रहा हूँ भाई mm -hmm. बलूचिस्तान में क्या हो यू नो दैट इज़ ओपन अराइज दिस होल वर्ल्ड अच्छा आपने टैक्स ब्रिक्स की बात की अब yeah. लोगों को लगता है यार ये बुरा है ये अच्छा ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं देखें बिग बिजनस ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन आर्ग्यू आर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एज लार्ज बेनिफिट फॉर टैक्स ब्रिक्स एक्सेट्रा बट मुझे बताएँ कि हुकूमत फिलेंथ्रपी को इनकरेज कैसे कर रही है यहाँ कर रही है एट ऑल hmm. अच्छा दैट्स अ वन मुझे लगता है कि जो फिलेंथ्रपी की इन्वामेंट है ना और जो स्पेस है वो पाकिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी श्रिंक की है एंड आई थिंक सेक्टर बड़ा ओवर रेगुलेटेड भी है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है um, टैक्स ब्रेक्स भी लेना इतना आसान नहीं होता अपने आप को रजिस्टर करवाना आसान नहीं होता क्यों? बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कुछ प्रोविंशियल लेवल एंड फेडरल लेवल जो रेगुलेशनस हैं वो इतनी मल्टीपल लेयर्स हैं कि बहुत सारे लोग तो ना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना उसको नेविगेट कर सकते हैं सो so, ये प्रॉब्लम्स हैं और मेरे ख़्याल में इस पर बड़ी एक ज़रूरत है कि हकूमत में कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए या कोई फोकल पर्सन ऐसा होना चाहिए जो इस सेक्टर को भी अंडरस्टैंड करे इसके चैलेंजेस को समझे इसकी इसमें हामनी एंड इसकी जो इसमें जो फ्रेगमेंटेशन है रेगुलेशन की उसको भी बेहतर करें ताकि लोगों को ईज हो देखिए हम पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली uh, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत हाई है हुँ. और उसकी भी वही वजह है कि अगर आप कराची पोर्ट से स्टार्ट करें तो एंड यूज़र तक हर्डल्स बिल्कुल एंड बॉटल नेक्स बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है उसी तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग गुड भी बहुत ज़्यादा है और उसमें आई थिंक इन कॉस्ट में uh, बड़ी एक हमें डीप uh, डाइव लेने की ज़रूरत है और इन द करंट सिनारी जब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इन्फ्लेशन कहाँ है फूड प्राइसिस कहाँ है पेट्रोल कहाँ है फिलेंथ्रपी इज मोर इम्पोर्टेंट फिलेंथ्रपी इज मोर इम्पोर्टेंट है बिकॉज लोगों को जो ईज देगी और जो लोगों को ईजिली मैसर होगी वो फिलेंथ्रपी ही होगी और एक फिलेंथ्रपिक फंड्स के बारे में मेरे ख्याल में एक जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके साथ अटैच है ना वो इसकी फ्लैक्सिबिलिटी है hmm. और इसकी एजिलिटी है क्योंकि ये बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाते हैं और इसमें ये नहीं होता कि एक दफ़ा अब आपने यू you नो know, एक पीएसडीपी का प्रोजेक्ट पास हो गया तो बस ये अब यहीं लगना है अब कहीं और नहीं लगना या डोनर पैसे लेकर आया पाकिस्तान में तो उसने कहा कि जी मैंने एजुकेशन में देने हैं एजुकेशन में पंजाब में देने हैं पंजाब में मैंने साउथ पंजाब में देने हैं तो आपकी चीज़ें बन जाती हैं फिलानथपी में जितनी ईज है ना अगर कोई आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है या आपकी जो हमारे कंपनीज यहाँ सी एस आर करती हैं वो तो दे हैव देयर ईयर्स टू द ग्राउंड एंड देयर हार्ट्स विद द पीपल सो वो एग्जैक्टली exactly डिटर्मिन कर लेते हैं कि जरूरत कहाँ है और उसी तरफ ही वो फंड्स मूव कर जाते हैं अब आप इन हम हम जो स्टडी करते आए हैं सो हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान में फ्लड या अर्थ या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है आपकी फिलेंथ्रपी उस साल ह्यूजली स्पाइक कर जाती है आपको ग्राफ्स में स्पाइक नज़र आता है तो so, ये हमारा ही रिस्पॉन्स है टू हेल्प आर पीपल एंड इट्स एजिलिटी ऑफ़ फंड्स कि आप दो मिनट में उनको नीड के मुताबिक जहाँ कहीं भी डिप्लॉय करना चाहते हो आप कर सकते हैं अच्छा मुझे बताएं लिटिल बिट देखिए एक तो रेगुलेशन जहाँ स्टेट की बेहतर होनी चाहिए लेकिन तो तो मेरा सवाल ये है कि यू नो जिस तरह अब किसी को नहीं पता मतलब बहुत सारे लोगों को पता है मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जांपल एफडीए अप्रूवल जो होता है अमेरिका में जो मेडिसिन के लिए होता है उसका क्या मतलब है हमें बस पता है कि ठप्पा है तो ठीक है हाँ जी। आप लोग क्या रिसर्च करते हैं और किस तरीके से वेट करते हैं ताकि फॉर एग्जाम्पल टू द ले मैन इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड केयर ये नॉट फॉर प्रॉफिट अच्छा uh, मतलब आपका ठप्पा स्टैंप ऑफ अप्रूवल है या नहीं है हाउ डू यू गेट दैट स्टैंप अच्छा हमारा एक बड़ा ही आई थिंक ड्यू डिलीजेंस का जो प्रोसेस है आ, वो एलेबरेट भी है और उसके पीछे पेपर वर्क भी बहुत है सो वी हैव एन ऑनलाइन सिस्टम आप उसमें अप्लाई करते हैं सो so ईज़ के लिए यू जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ आप यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करते हैं और यू आर इंटू द सिस्टम वहाँ फिर हमारे डिफरेंट हम आपसे आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग लेते हैं आपके कितने बजट्स रहे हैं आपके अकाउंट्स कितने हैं employees कितने हैं आप कहाँ बेस्ड हैं आप किस सेक्टर में काम करते हैं सब बुला बुला ये पूरा एक हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म है वो इन के हो जाता है इसके बाद फिर हमारा एक्चुअली सर्टिफाइंग का एक पूरा मॉडल है जिसमें हमारे पास तकरीबन दो सौ पच्चीस इंडिकेटर्स हैं ब्रॉड बड़े और उसके नीचे हिडन हमारे पास तकरीबन कोई एट हंड्रेड माइनर इंडिकेटर्स हैं उस पर और उनको हमने सेवन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने रेगुलेटरी जो कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उसकी कम्प्लाइंस है क्या आप उनको मीट करें फिर हम देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसज हैं उसमें कोई हमें मिस तो नहीं नज़र आ रहा मिस अप्रोप्रिएशन तो नज़र नहीं आ रही क्या आप अपने बजट्स बनाते हैं क्या आपके चेक्स एंड बैलेंसेज हैं क्या आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं आपके चेक्स कौन साइन करता है क्या डुअल सिग्नेटरी सिस्टम है या नहीं है सो वी लुक एट दैट विद अ वेरी थारो लेंस टू सी के वहां पे किसी किस्म की कोई भी आपको फाइनेंशियल इरेग्यूलैरिटी नज़र ना आ रही हो फिर उसके बाद हम देखते हैं आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स कि क्या आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर इफेक्टिव है क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स है क्या लाइन्स क्लियर हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रही है और पॉलिसी बोर्ड्स क्या कर रहे हैं वहां पे तो किसी किस्म की कोई पॉलिसी एट एटवर्क तो नहीं है हुँ. फिर हम देखते हैं आपकी पब्लिक रिलेटी कि अगर आप कहते हैं कि मैं एक नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ तो क्या आप पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिट क्रिएट करें और अगर कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा बहुत मेजर भी कर लेते हैं हुँ. फिर हम आपके प्रोग्राम देखते हैं यानी कि जो पैसे आप डोनर से लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ज़क़़त मिली और आपको लोगों ने अहतियात दिए फितराना दिया आपने कहीं से पैसे और आपको मिल गए तो क्या आपने उनको वहां खर्च किया जहाँ आपने कहा था कि आप हाँ खर्च करेंगे hmm. क्या आपने कहा था हम स्कूल बनाएंगे तो क्या आपने उन पैसों से स्कूल बनाया क्या आपने कहा था कि हम इसे ऑर्फनेज चलाएंगे तो क्या आपने ऑर्फनेज चलाया क्या ऑर्फनेज है एग्जिस्ट करता है क्या उसका स्टाफ है तो ये तमाम चीजें एंड लास्टली हम फिर टैक्सेशन को भी देखते हैं कि क्या आप टैक्सेशन लॉज जो है मुल्क के क्या आप उनसे कंप्लाइंट हैं आपके पास एंटीन है आप रजिस्टर्ड हैं क्या आप विद होल्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है? और इसके अलावा आपने तीन चार इंडिकेटर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे जो आपका टैक्स लॉ है वो नॉट फॉर प्रॉफिट्स को बाइंड कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सर्पलिस जो हैं वो ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो फिफ्टीन परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो वो भी हम देखते हैं कि आप क्या आपकी कम्प्लाइंस कैसी है सो so ये तमाम चीज़ें और ये सिर्फ हम दफ्तर में बैठ के कागज़ नहीं देखते हैं हमारी दो मेंबर टीम होती है आप कहीं पे भी हैं आप टोबा टेक सिंह में बैठे हैं आप खैरपुर में बैठे हैं आप पंजगोर में बैठे हैं या आप गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हनजा में बैठे हुए हैं हमारे दो लोगों ने जाना ही जाना है एंड देन दे विल गो दिल डू अ फील्ड विजिट दिल Uh, आपकी डिस्पेंसरी है और आपने कहा वहाँ एक्सरे मशीन लगी हुई है तो हम जाके देखेंगे कि एक्सरे मशीन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है लोग चल रही है लोग आ रहे हैं क्या आप चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे सो वी गेट अ यू नो हमारा हमारा काम इस तरह का है कि हम 360 पिक्चर पूरी लेने की कोशिश करते हैं सो दैट इट पीपल इट Either it 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 is is certified or it isn't certified. or yeah. isn't like a rating system? इन द सेंस की जो हमारे कैटेगरी बताई उसमें हमारे एटलीस्ट आपको फिफ्टी परसेंट स्कोर लेना होगा ठीक है सो इफ यू डोंक person score in even one category that's when you are not eligible for certification yeah. Achha, aur, jo target audience hai, misal ki torpe, ab, I don't mean the uh, charities and not-for-profits I mean the opposite are you is this a tool that is primarily going to help big business donate Or yeah, do you see this as a retail tool uh... it's it's good for everybody hmm. whether you are a corporate we have people who say catch up you know, we are an oil and gas company, and we want to see. that Bal Balochistan, mein aapki certified, kitne hai. Mm. So they use our certification list, and our uh, it's on the it's on our website. Okay. Even you can just visit our website and see that. If you want to in And then people sitting outside, common people, everybody, I mm. think, can just take a look at it, make informed choices, and feel comfortable giving. Mm.

सो द इंस्परेशन केम फ्रॉम देअर एंड इनिशियल सपोर्ट भी आखान फाउंडेशन की बहुत अरसा रही uh, उसके बाद जैसे जैसे इदारा ग्रो किया सो so जब हम जाते हैं किसी uh, इदारे को देखने फील्ड mm. विजिट पे करने या अदारा हमें अप्लाई करते हैं तो वी डू चार्ज अ सर्विस फील एंड सो दैट इज़ हाउ एंड अगैन द एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अट फॉर प्रॉफिट अप्लाई टू अस that we are in the business of not making any profits but ploughing them back into the company so that it has grown very slowly i mean it was formed in 2001 we are sitting here in 2024 so 24 years old and i think slowly and gradually it has made its mark it's considered uh, a very prestigious and people find the pcp seal to be you Know a sign of credibility, so gradually over a period of time, the mechanism has really grown, has matured, has has gained, um, um, as seen as a sign of integrity. So it's been slow, but uh, we've reached at a point, I think, where it is regarded as a uh, well recognized, uh, well celebrated due diligence tool, mm. and I think, uh, I just wanted to say that very interesting notions you at least made clear. Mm. Uh, I actually myself look forward to using your product now, and, and inshallah, hopefully, all of you guys will as well. I last question before I let you yeah. go. Um, this is where you are, right? So, this is where PCP is. Where does it want to be in, say, 5 years, 10 years, 15 years? I think. Uh... You know, it's very difficult to say, uh, given uh, the current uh, scenario in Pakistan—political unrest, etc. Uh, uh, you know, so many factors at play. But I guess philanthropy is an intrinsic feeling. Uh, everybody wants to give back, you know, and it will remain, and so will the need and the desire to find the right place to give, and a credible place to give. In a trustworthy place to give, so I think the scope is huge, and in terms of philanthropy, I think it will sustain uh, the people um, in in multiple ways in varied ways wherever there is a need uh, flows are automatic so I think in uh, essay ecosystem mein, agar koibi idara credibility ka mark. De so I think the future, in that sense, looks um, should should involve such mechanisms to to give more transparency and to bring more accountability to the sector. That's what I would say. Perfect, jenny. Uh, I think that's a great place to leave it. Uh, mm. Thank you so much for being on the podcast. Yeah, thank you, Shana. Uh So yeah, um, I, I I think uh, you know philanthropy in Pakistan. Uh, when you look at it, I think it has. एजुकेशन और हेल्थ में जो आपको बेस्ट प्रैक्टिस नजर आती है और जो सक्सेसफुल मॉडल नजर आते हैं वो सब फिलंथ्रपी का प्रोडक्ट है अबीब यूनिवर्सिटी देखें आप और सस्टेनेबल भी है और सस्टेनेबल भी है आप अपने यहाँ आप इसके अलावा इंग्लिस हॉस्पिटल को देख लें आप एल को देख लें आपको बहुत सारे एंड यू नो ये हमारा सेक्टर जो है वो एक इट हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट्स जो हैं दे हैव दे हैव मेचोर्ड एंड दे हैव बिकम आई थिंक सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन प्रॉपर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग फिलेंथ्रपी पाकिस्तान में कोई रिसर्च है मतलब अभी आपने बात की ना अक्रेडिटेशन की बट व्हाट अबाउट रिसर्च एज टू क्या नंबर चल रहे हैं कितना आई डोंट नो डोनेशन चल रही हैं कौन क्या कर रहा है किधर अच्छा काम हो रहा है किधर बुरा काम हो रहा है इसके अलावा आई थिंक वी आर दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच अंडरटेक्स रिसर्च ऑन फिलेंथ्रपी सो so, हमने ये सबसे जो पहली रिपोर्ट आई थी वो आ खान की ही रिपोर्ट थी दैट वाज इन द ईयर 2000 जिसने कहा था कि पाकिस्तानी जो है वो जनरस हैं और 70 बिलियन एनुअली देते हैं फिर उसके बाद हमने 2016 में एक रिपोर्ट लॉन्च की थी जिन्होंने जिस उस रिपोर्ट ने गिविंग को तकरीबन टू तो बिलियन बताया था अब हम रिसेंटली एक स्टेट ऑफ एंथ्रपी रिपोर्ट कर रहे हैं एंड जिसको लीड ऑथर जिसके हैं डॉक्टर आदिल नजम I think it should be out by the end of this year or early next year sometimes, and I think that research piece will actually give you a number of how much Pakistanis give, what is the volume, mm -hmm. where are the giving, what are the motivations and a very important distinction that report will make is you know, know, religious giving, so that report has sort of.

That Pakistanis are people with the heart at their right places. They are more pro-Pakistani than the pro-Pakistani, let me tell you. <laughs> and they give a lot. And they give it to schools, hospitals, people in need. And they give it abundantly. Hmm. So that's what, what the report will show. And this report, hai, it must become sort of like the industry standard. Abhi hum jo... थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे एंड एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड की समटाइम्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल स्कूल बनाना या बाकी सारी चीज़ें करना बिकॉज इट यू टू सी अ मैक्रो लेवल वो बर्ड्स आई व्यू जिस चीज़ को कहते हैं ना उससे है। आपको समझ आती है कि यार ये अच्छी है ये बुरा है आई थिंक यू नो एज अ पाकिस्तानी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की एक बड़ी नेगेटिव परसेप्शन है यू you नो know, कुछ साल पहले तक तो हम आ, एक धमाके और गॉड नोज वट अभी भी अगर आप जनरली पाकिस्तान की एक परसेप्शन देखें तो बड़ी कुछ पॉजिटिव वाइब नहीं आती बिल्कुल मुझे लगता है कि ये रिसर्च पाकिस्तान का वो फेस और वो पॉजिटिव वाइब बताएगी जो कि पाकिस्तान को शो करेगा एज ए नेशन ऑफ 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 गिविंग पीपल सो जब हम ये रिपोर्ट कर रहे थे तो आई ड्रू माई इंस्परेशन फ्राम रिपोर्ट report which is published by the यूनिवर्सिटी प्रेस लिली स्कूल ऑफ of Philanthropy, which is गिविंग यू एस ए और हमारा ख्याल था कि हमें भी गिविंग पाकिस्तान बताना चाहिए कि हम कैसे लोग हैं हम क्यों देते हैं कहाँ देते हैं कितना देते हैं और कितना ज़्यादा देते हैं सो आई होप दिस द स्टेट ऑफ एलेंथ्रपी रिपोर्ट और द गिंग पाकिस्तान 2024 जब भी आएगी ये पाकिस्तान की गिविंग प्रसप्शन के बारे में एक uh, एक uh, ऐसी एविडेंस पेश करेगी uh, जो कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज uh, पाकिस्तानीज का एक पॉजिटिव इमेज uh, पेश करने में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी इनशा एंड यू नो लॉन्ग मे देक यू सो मच अगैन फॉरकास्ट फॉर थैंक you enjoyed प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल our चेक and check PCP आउट as well. थैंक यू